बीजेपी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, नैना भी है और भी हैं, इनेलो भी है, जेजेपी भी, किसने वोट दोगे बताओ बताओ? बीजेपी नहीं देंगे। बीजेपी नहीं दोगे तो कौन से गांव की हो? गोलगप्पे खाने वाली हो? हाँ, बाजार में। बीजेपी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, जैसे ही तीन निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ा है और बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। क्या कांग्रेस को लोकसभा में इसकी ऑक्सीजन मिली है? क्या लोकसभा में इसका फायदा होगा? यह हम जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। फिरकी मार्केट है जहाँ पर ग्रामीण आंचल की लोगों का भी आना जाना है और दुकानदारों का भी यहाँ बहुत रुचि रखते हैं। नमस्कार बहन जी, आप तो बताओगी, लोकसभा का चुनाव आ गया, एक कांग्रेस का खड़ा है, कांग्रेस जीतेगी बीजेपी जीतेगी? भाई जीतनी तो चाहिए कांग्रेस है। क्या बात है? बात का देखिए, मेरा कांग्रेस जीतेगी बीजेपी? कांग्रेस जीतेगी जी, कांग्रेस जीतेगी। क्यों? क्योंकि सारा गरीब आदमी का गरीब मारी करे जी। अच्छा, पढ़वा लोग बताओ जी, मोदी आओगा जी? मोदी ने काम अच्छा अच्छा करवा रखा है। अच्छा ही गिनवाओ, बढ़िया बढ़िया काम करवा रखा शहर का। एक अच्छा ही पूछो जी, एक अच्छा ही पूछो जी। बहन जी नमस्कार, आपके पास तरह तरह के गाहक आते हैं, क्या लगता है कांग्रेस आएगी बीजेपी आएगी? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, आएगी। क्यों लगता है कांग्रेस आएगी? आएगी जो चाहे कोई आ जाए, काम तो कोई भी नहीं करता, ना कांग्रेस ना बीजेपी, कोई नहीं करता। लेकिन ना किसी की बोरी गिर है, अपा तो जिसको कहोगे उसके दे देंगे। वैसे कांग्रेस आएगी, आएगी बस, ठीक है। क्यों नाराज करो? हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं, बताओ जी। बीजेपी आओगी? है बीजेपी, बीजेपी आएगी। जो मोदी ने बढ़िया काम करा है। हाँ, बढ़िया काम कर दिए किसाना के भी, किसाना के लिए। बताओ जी, राम राम। राम राम जी। गम मत आए हो धूप में मर दे, इमनू बताओ, पर्चिया में खड़े हैं कांग्रेस और बीजेपी। हाँ जी, की मूड है आपका? हमारा तो बीजेपी का मोल है जी। बीजेपी ना, आपका के पर्सनल मतलब बीजेपी का जोर कड़ा है? बीजेपी का जोर कड़ा है। चलो जानते हैं बहन जी से। बहन जी आप भी चुनाव में रुचि लेती हो? हाँ। किस कौन सी आओगी, कांग्रेस आवेगी बीजेपी आवेगी? बेरा कौन है जी? मैं भी कौन बेरा। वोट किसको दोगे? कांग्रेस भी खड़ी है, बीजेपी भी खड़ी है, और पार्टी भी खड़ी है, दो तो किसको दोगे लोकसभा का? कांग्रेस को। कांग्रेस में कौन खड़ा है कांग्रेस का? कांग्रेस का जयप्रकाश जेपी। अच्छा, बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, ताई तक काट बता, ताई तक काटा ही रोग बता, कांग्रेस न देगी बीजेपी न देगी, वोट किसने देगी? हम तो जो हमारा बढ़िया काम करा गौ से न देवांगे। कांग्रेस पे तो बीजेपी सारी सालों की देना नहीं बोला तो करा को नहीं दे देंगे तो देखांगे किसा के करेगा। अम्मी कांग्रेस ने, कांग्रेस ने, कांग्रेस ने। हाँ, आप बोलो फिर, आज बताओ बताओ जी, कांग्रेस को देंगे जी, जयप्रकाश को? जयप्रकाश बिल्कुल। तो ये सारे जयप्रकाश, जयप्रकाश के रूप का हमारे बीजेपी ने महंगाई बहुत कर रखी है, बेरोजगारी है, महंगाई का तो बस पूछा ना, इतने महंगाई सरकार में सिलेंडर 500 रुपए, आज की सरकार में 1100 रुपए का सिलेंडर है, बताओ महंगाई ना कमर है। दोबारा 450 कर देंगे ये तो, चाहे कितने कर दे, हम तो जेपी ने वोट देवा रुपया का कर देंगे ना, तो भी कोई मारा वो आंधा जेपी को वोट नहीं भैया, कर देंगे इतने का वोट कांग्रेस देगी? हां वोट कांग्रेस के हम भाई, जमा खुले 100 फ्री में कर दो, 1 रुपया का भर दियो भला है, फिर वोट उसका है, वोट इसका है। मैं तो ये बाकी से देख के कौन करूँ, मेरा अपना मकान देख के और पानी की सुविधा करो, वोट तो ये भी ले लो, इतना कुआ हो रहा है, वोट ले जितना सरकार बीजेपी की थी, फिर किसकी के हवाई बात, अपना मेरा घर का मकान भी बना देगी, बोरी भी घेरेगी कांग्रेस कांग्रेस फिर वही बात तो कोई, ये तो बिल्कुल दुखी औरत है और इनका कहना है की हाँ बेटे तू बता, कांग्रेस की? कांग्रेस की दुकानदार हवा बनाने में और हवा खिसकाने में भी बहुत तेज होता है, इनकी हर तरह गाग आते हैं। कांग्रेस भी खड़ी है और बीजेपी भी खड़ी है, दो पार्टी खड़ी है, क्या कहना आपका? मतलब किसने वोट दोगे? वोट मोदी देंगे। मोदी बढ़िया काम, बिल्कुल सही कर रखे हैं। अच्छा, कांग्रेस का कोई फंडा को नहीं? हाँ, कांग्रेस तो वास्ता कौन पड़ा? अच्छा बहन जी,
उरन मुंह करो आप करोगे हाँ। किसने वोट दोगे आप बताओ, आप तो साक्षी साक्षी बता दोगे, आप तो शर्मंदी को नहीं बताओ। चौटाला के हम तो चौटाला के कौन से चौटाले दो खड़े हैं, एक सुनैना और एक नैना, कौन से चौटाले दुष्यंत के हो किसके हो चौटाले के हो बताओ बताओ। सुनैना के सुनैना जो इनलो तो खड़ी है यानी क्या चौटाला जी की पार्टी हाँ, तो चौटाला के हैं प्रॉपर। सुनैना वैसे देखी है आपने कदे? हाँ, दो तीन बार मिल लिए हमारे घर आवे है। अच्छा, हम खुद उनके हैं तो बन जाएगी सुनैना इस बार तो, फिर आपने तो कह दिया तो है? ये मैं नहीं बता सकती, बन जाएगी। अच्छा, वोट देनी पड़ेगी। आप तो निको सच्चाई बोलो। हाँ हाँ बोलो, फिर सच्चाई ये बता दी भाई। सच्चाई ना, आप बिल्कुल सही कदे तो सुनने की पार्टी के इनलो पार्टी कदे ते है। परसों दफ्तर का उद्घाटन भी है उसका, हसी में सुना तो 3 मई को था, उसमें भी गए थे। अच्छा, और इसमें भी दवांगे और वोट भी मांगा और पैदल यात्रा में भी थे। पैदल यात्रा में भी थे। गोड़ी टोपिया ही दुकान कर रखी, बहुत से ग्राहक आते हैं। हाँ जी, कांग्रेस ने दो, बीजेपी ने दोगे वोट या दो पार्टी और भी खड़ी है, किसने दो? कांग्रेस को देंगे जी। कांग्रेस को? हाँ जी। क्या वजह है, इस बार कांग्रेस का मूड कैसे बना आपका? जेपी अच्छा उम्मीदवार जी। जेपी अच्छा उम्मीदवार है, बिल्कुल ठीक बात है। अरे ये जवान भी आ गया हमारे साथ, आ रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है। किसने वोट दोगे? वोट तो बन लिया होगा, 2018 का तो लिया होगा। कांग्रेस ने दे जी। कांग्रेस ने कौन खड़ा है? कांग्रेस तो जेपी खड़ा है जी। जेपी खड़ा है, तीन MLA भी बाज लिए इनके तो, बीजेपी आला के तो। हां जी, बीजेपी काम की तो कौन जी, काम की कौन ही ना जी, छक्के नकली सरकार है। छक्का नकली सरकार है बीजेपी, काम की नहीं है, छक्का नकली सरकार है। ऐसी आवाजें भी आ रही, आप ही प्रेमी मेरे पास आ। प्रेमी किसने वोट दोगे जी? जयप्रकाश ने। जयप्रकाश ने, बढ़िया लगा जयप्रकाश। वो देता ही हम क्या। कुछ जागरूक मतदाता भी हैं हमारे साथ में यहाँ। भाई साहब खोमचा लगाते हैं आपके पास तो, हर तरह के आदमी आते हैं, हर तरह की महिलाएं भी आती हैं। मेरी तरफ मुंह करो, दे दो गोलगप्पा। किसको वोट दोगे? बीजेपी को या कांग्रेस को? हम नहीं कह रहे, आप बताओ। आपने कह दिया बीजेपी को, तो बीजेपी को देंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा कुछ भी, आप बताओ बीजेपी को। बहन जी नमस्कार, आप तो सही बात बताओगे, और सगी आपकी सही कई शायद पूरी हो जाएगी। बीजेपी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, नैना भी है, और भी है, इनेलो भी है, जेजेपी भी। किसने वोट दोगे बताओ? बताओ, बीजेपी नहीं देंगे। बीजेपी में दोगे तो कौन से गांव की हो? गोलगप्पे खाने वाली बाजार में। ये क्या हाल है? अच्छा, किसको वोट दोगे आप? बीजेपी भी खड़ी, कांग्रेस भी खड़ी। भाई अभी तो बीजेपी के साथी है। बीजेपी के जी सर। अच्छा, चलो आजो, चाय पानी अजय भाई बंसल जी को प्रणाम। तो बताओ सर, अपना समीकरण बताओ। कांग्रेस खड़ी लोकसभा में, बीजेपी भी खड़ी है, अन्य पार्टी भी खड़ी है, आपका क्या मूड है? हम किसी को वोट नहीं देंगे, सिर्फ मोदी को देंगे जी। मोदी को देंगे, ओनली मोदी को देंगे, ओनली फॉर मोदी को। कैंडिडेट को देख के नहीं, नहीं देंगे, सिर्फ ओनली मोदी को देंगे। तो इतना जोश क्यों? हाँ, बिल्कुल जोश है जी मोदी की तरफ से, हमारे देश हित में, सनातन धर्म में। बस ये सर्वे नंबर 6 हमारा फिरकी वाली गली, जहाँ ग्रामीण अंचल से भी काफ़ी महिलाएं आती हैं और बहुत रश रहता है। हमने सबके व्यूज़ जाने हैं और मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है हमें, कोई कांग्रेस का, और एक तो ऐसी प्रतिक्रिया मिली है कि हम तो इनेलो के पैटर्नाइज वोट हैं। देखते रहिए, बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी छोड़ के चले गए हैं और बीजेपी को झटका लगा। फिर मिलेंगे 7वें एपिसोड के अंदर, देखते रहिए हंसी के आवाज़।